हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों, चलो पलटते हैं इतिहास के पन्ने। चलो मान लेते हैं कि आज भी भाप से चलने वाली शाफ्ट की मदद से इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के पहियों को घुमाया जाता है और इस तरह के इंजन में हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। स्टीम इंजन में बॉयलर से आने वाली भाप सिलेंडर में बारी बारी आगे और पीछे दोनों तरफ से पिस्टन को धकेलती है, जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को पिस्टन रॉड की सहायता से, जो कि एक ऑफ सेंटर पॉइंट पर जुड़ा होगा किससे, फ्लाई व्हील से, उसको घुमाने का काम करती है, यानी रेसिप्रोकेटिंग से रोटेट मोशन में बदल देती है। इस रॉड को ऑफ सेंटर में क्यों लगाया, अगर सेंटर में लगाते तो ये ससुरा घूमता ही नहीं। चलो एक बात बताओ, क्या बिना पिस्टन की सहायता से रोटेटरी मोशन बनाया जा सकता है? अरे बिल्कुल बनाया जा सकता है, अभी बना देते हैं। एक प्रेशर कुकर लो, उसमें पानी भरो, गैस पे चढ़ाओ, शटल को हटा के एक पाइप लगाओ और उस पाइप को किसी टर्बाइन की तरफ कर दो, टर्बाइन कर देगी घूमना शुरू। इसका मतलब ये हुआ कि एयर प्रेशर को डायरेक्ट इस्तेमाल करके टर्बाइन को घुमाया जा सकता है, वो भी बिना पिस्टन सिलेंडर के। इसे हम एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन भी बोलेंगे, क्योंकि फ्यूल को हम पावर आउटपुट की जगह से अलग जला रहे हैं। और इस तरह से जन्म हुआ स्टीम टरबाइन का। पेट्रोल और डीजल इंजन को इंटरनल कंबस्चन इंजन कहा जाता है और उसका कारण भी है, क्योंकि उन दोनों इंजन में फ्यूल को वहीं पर जलाया जा रहा है जहां पर पिस्टन पावर बना रहा है, यानी फ्यूल पावर आउटपुट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। पर क्या किसी इंटरनल कंबस्चन इंजन से डायरेक्ट रोटरी मोशन प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी कर देते हैं। एक पाइप लो, उसके अंदर बहुत तेजी से हवा भेजो, थोड़ा सा फ्यूल डालो और उसको जला दो। पाइप के अंदर मौजूद गैसेस बहुत तेजी से एक्सपेंड होंगी और बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, और ये बाहर निकलती हुई गैसेस एक टरबाइन के ब्लेड को घुमाएंगी, और यहीं से रखी गई थी नींव जेट इंजन की। अब इस टरबाइन से एक शाफ्ट जोड़कर एक कंप्रेसर लगा दो, जिसका काम होगा बहुत सारी हवा को कंप्रेस करके और तेज गति से कंबस्चन चेंबर की तरफ धकेल देना। चलो इसे एक पेट्रोल इंजन से कंपेयर करते हैं। उसके इनटेक स्ट्रोक में हवा और फ्यूल का मिक्सचर कंबस्चन चेंबर में एंटर करेगा और हमारी गैस टरबाइन में हवा एंटर करेगी। फिर आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें उस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाएगा और हमारी गैस टरबाइन में ये काम करेगा कंप्रेसर डिस्क। फिर आता है पावर स्ट्रोक, जिसमें उस मिक्सचर को जलाया जाएगा और ये काम करेगा हमारी गैस टरबाइन में लगा हुआ एक बर्नर। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जली हुई गैसेस बाहर निकल जाएंगी और हमारी गैस टरबाइन में भी जली हुई गैसेस बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलेंगी और यही तेज रफ्तार टरबाइन ब्लेड्स को घुमाएंगी, जिससे कनेक्टेड एक शाफ्ट कंप्रेसर को घुमाती रहेगी और बन गया अपना जेट इंजन। बस इसमें एक ही फर्क है, वो ये कि गैस टरबाइन में सारे काम एक साथ हमेशा होते रहते हैं, पेट्रोल इंजन की तरह एक के बाद एक सीक्वेंस में नहीं होते। बस एक बार आप बर्नर चालू करो और गैस टरबाइन एकदम मक्खन की तरह चलेगी। चलो अब जाते हैं इसकी डिटेल में और लगाते हैं इसमें कुछ कंप्रेसर डिस्क। अब ये क्या काम करेंगी, ये बढ़ाएंगी हवा का दबाव। इसमें लगी कुछ डिस्क घूमेंगी और कुछ रहेंगी स्थिर, जिसकी वजह से आती हुई हवा बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से कंप्रेस हो जाएगी और अंदर जाती हुई हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या इन डिस्क के नंबर को घटाया और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है और घटा भी सकते हैं। ये बात निर्भर करेगी हमारी जरूरत पर। किस तरह की जरूरत पर? अगर आपको अपना इंजन और ज्यादा पावरफुल बनाना है, मतलब उसे बड़ा बनाना है, तो आप उसमें डिस्क बढ़ा सकते हैं। पर याद रखिएगा, सिर्फ डिस्क बढ़ाने से इंजन की ताकत नहीं बढ़ेगी, आपको उसकी बाकी चीजों में भी सुधार करने पड़ेंगे। चलो मान लेते हैं हमने बहुत सारे डिस्क लगा दी। अब इससे हवा कंप्रेस होके जाएगी कंबस्चन चेंबर की तरफ, जहां पर लगा हुआ एक फ्यूल नोजल उस हवा में फ्यूल को स्प्रे करेगा और अब इस मिक्सचर को जलाया जाएगा एक बर्नर की सहायता से। इस मिक्सचर के जलते ही एक्सपेंड हुई गैसेस का इतना जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। पर कंबस्चन चैम्बर के अंदर तापमान कितने डिग्री तक हो सकता है? लगभग 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये निर्भर करेगा आपके इंजन की ताकत और एयर फ्यूल के रेशो पर। क्या इसमें सिर्फ एक ही कंबस्चन चैम्बर होगा? नहीं, आप इसमें एक और कंबस्चन चैम्बर भी जोड़ सकते हैं। क्या इसमें सिर्फ एक ही टरबाइन व्हील का इस्तेमाल होगा? नहीं, आप उनकी संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। एक टरबाइन वाले इंजन को सिंगल स्टेज टरबाइन कहा जाता है, जिसमें एक व्हील स्टेशनरी और दूसरा घूमने का काम करता है। आम तौर पे टरबाइन ब्लेड एक्सियल टाइप के होते हैं। अगर आप इसमें टरबाइन ब्लेड को बढ़ाएंगे तो उसे मल्टी स्टेज इंजन कहा जाएगा। और क्योंकि टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट की रफ्तार लगभग 50,000 आरपीएम से भी तेज रफ्तार पे घूम सकती है, इसलिए टरबाइन के ब्लेड हीट रेजिस्टेंस और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल से बनाए जाते हैं। चलो इसे टर्बोजेट में बदल देते हैं। क्या करना पड़ेगा? एक टेपर करे हुए पाइप को इससे जोड़ दो, जिससे निकलती हुई गैसेस की रफ्तार बढ़ जाएगी। अब इसे कहा जाएगा टर्बोजेट और ये इस्तेमाल होगा एयरप्लेन्स में। आप इसके कंपोनेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका कंप्रेसर और ये है आपका कंबस्चन चेंबर और ये रहा आपका टेल पाइप और यही सब मिलके देते हैं थ्रस्ट। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि
के थ्रस्ट इंजन से निकलने वाली गैसेस बाहर की गैसेस पर दबाव डाल के उत्पन्न करती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्रस्ट इंजन के बाहर से नहीं बल्कि इंजन के अंदर पैदा होता है। चलो इसकी सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक गुब्बारे में भरी हुई हवा हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाती है और एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस करती है। लेकिन जैसे ही आप हवा को बैलून से बाहर निकलने का रास्ता दोगे तो उस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स या प्रेशर घटना शुरू कर देगा और उसके विपरीत दिशा में लगने वाली फोर्स या प्रेशर बड़ा हो जाएगा और यही अनबैलेंस फोर्स बैलून को आगे की तरफ धकेल देगी। इसी को कहेंगे हम थ्रस्ट और यही है जेट प्रिंसिपल। अगर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है तो चलो चलते हैं स्पेस में। तो स्पेस में उड़ते हुए रॉकेट इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस किस पर प्रेशर लगाएंगी? वहां तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं कि इंजन के अंदर बनने वाली अनबैलेंस फोर्स का प्रेशर ही इंजन को थ्रस्ट देता है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखना, जवाब जरूर आएगा। चलो मान लेते हैं एक टर्बो जेट इंजन वाले प्लेन को आप लैंड करा रहे हैं और अब आपको अपने प्लेन की रफ्तार को करना है धीरे। तो इस काम के लिए एग्जॉस्ट गैसेस के डायरेक्शन को बदल कर आप अपने एयरप्लेन की रफ्तार को धीरे कर सकते हैं। अब इंजन के अंदर बनने वाली थ्रस्ट ही प्लेन को धीरे करने में मदद करेगी। पर क्या आपको पता है टर्बो जेट में आफ्टर बर्नर का भी इस्तेमाल होता है और इनको लगाने के पीछे का कारण भी बड़ा मजेदार है। बहुत थोड़े से समय के लिए थोड़ी सी पावर अगर बढ़ानी हो तो आफ्टर बर्नर बड़ा काम आता है। देखो आपको ये तो पता है कि कंबस्टन चेंबर में फ्यूल के जलने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, लेकिन उस एग्जॉस्ट गैसेस में थोड़ी सी ऑक्सीजन बिना जले रह जाती है। तो क्यों ना उन एग्जॉस्ट गैसेस में थोड़ा सा फ्यूल डालकर उसे एक बार फिर से जला दें। और क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर पहले ही काफी ज्यादा होगा तो यहाँ पर हमें बर्नर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फायदा क्या होगा भाई साहब? ताकत और रफ्तार दोनों बढ़ने वाली है। चलो जब इतना बता ही दिया है तो फैन जेट भी सीख ही लो। इस तरह के इंजन में कंप्रेसर डिस्क के सामने प्री कंप्रेसर डिस्क को लगाया जाएगा जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो इंजन के अंदर जाने वाली हवा को थोड़ा कंप्रेस पहले ही कर देती हैं। फायदा क्या होगा? फायदा होगा ये कि अब पहले से ज्यादा हवा का वॉल्यूम इंजन के अंदर एंटर करेगा और ज्यादा हवा होने से बर्निंग के बाद ज्यादा एक्सपेंशन होगा जो देगा ज्यादा थ्रस्ट। अगर इन सब चीजों के सामने एक पंखा लगा दिया जाए तो उस इंजन को टर्बो प्रॉप इंजन कहते हैं और इस पंखे को एक गियर ट्रेन की सहायता से चलाया जाता है और इस गियर ट्रेन को चलने की ताकत देती है अपनी टर्बाइन की शाफ्ट। टर्बो प्रॉप इंजन का इस्तेमाल मध्यम गति पर बहुत दूरी तक उड़ने के लिए किया जाता है। गैस टर्बाइन इंजन से जनरेटर भी बनाए जा सकते हैं और इसको डिस्कस करें किसी और वीडियो में। लास्ट में आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से जेट इंजन में ऐसा कौन सा बदलाव करें कि इसकी पावर और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाए? दौड़ाओ अपना दिमाग और लिखो एक बढ़िया जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।